दोस्तों, मैं मनीष आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज देखिए, मैथमेटिक्स के मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप बिल्कुल ऑप्शन से उड़ा देंगे पांचों के पांचों सवाल। बस ध्यान से आखिरी तक पूरा वीडियो को देखिए, और कंटेंट पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करना। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन से उड़ा देंगे आप इस सवाल को। बस ध्यान से आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर 11 और 13 अगर ये दोनों से विभाज्य है तो इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से ये संख्या विभाजित होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि वो कहीं ना कहीं उसके मल्टीपल से ही विभाजित होगी। और इसके लिए आपको पार्ट 4 देखना होगा। पार्ट 4 आप कंप्लीट देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मल्टीपल से सीधे सीधे कैसे विभाजित होती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर हम 11 + 13 से बात करेंगे तो नहीं होगी विभाजित, काट दीजिए। दूसरा 13 - 11 से विभाजित होगी, नहीं होगी, काट दीजिए। मल्टीपल से विभाजित होती है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि 11 * 13 से विभाजित होगी। फाइनल आंसर क्या है? सी, बिल्कुल विद इन अ सेकंड आंसर आ जाएगा आपका। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि यहां जो नंबर लिखा है 8 3 4 6 2 x 7 0 4 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो रूल फॉलो होगा 3 से विभाज्यता का। यहां पर अगर 3 से विभाज्यता का रूल फॉलो होगा तो हमें सीधा सीधा यह ध्यान रखना है कि इन अंकों का जब आप सम कर रहे होगे, जोड़ कर रहे होगे, तो वो किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा एक डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आप सीधा 9 बनाइए। 3 और 9 की अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर कॉन्सेप्ट लगेगा तो विद इन अ सेकंड आंसर आप निकाल लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर 9 बनाना और काटते जाना है। तो ध्यान से देखिए, 9 बनाते हैं तो 9 बनाने के लिए क्या होगा, आप सीधा देखिए 6 और 3 9 काट दीजिए। फिर इसके बाद देखें अपन 7 और 2 क्या हो गया, 9 काट दीजिए। फिर इसके अलावा अपने पास क्या क्या बचा, 8 4 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 12 और 4 हो जाएगा कितना, 16। तो यहां पर अगर हम 16 की बात करें तो 16 में यहां पर एक्स की प्लेस पर आप क्या रखोगे कि वो 3 से विभक्त हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर आप क्या क्या रख सकते हो, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो यहां पर क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो। फिर इसके बाद 3 के पहाड़े में 18 3 7 21, तो यहां पर आप क्या रख सकते हो, 21 बनाने के लिए क्या रखोगे, यहां पर 5 रख सकते हो, 3 7 21, फिर 3 8 24, 24 बनाने के लिए आप यहां पर क्या रख सकते हो, 24 बनाने के लिए सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहां पर 8 रख सकते हो, ठीक है। 8 के बाद देखो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, तो 8 के बाद आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगला जो डिजिट आएगा और अगला डिजिट जो आपको मिलेगा वो होगा 27। 27 में से आप जब ये घटाओगे तो 11 करोगे, तो 11 में क्या हो गया, डबल डिजिट हो गए। तो यहां पर आप क्या क्या रख सकते थे, 2 5 8 रख सकते थे। तो इनका टोटल सम क्या होगा, जल्दी से जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 5 15, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। विद इन अ सेकंड आंसर निकालना है हमें, ये कैलकुलेशन हमें अपने दिमाग में करनी है। अब आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी हमें वही करना है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, सीधा बस जोड़ के 9 बनाओ और देख के आंसर बताओ। तो यहां पर अगर अपन देखें 9 बनाते जाओ, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, काट दो। यहां पर 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, काट दो। फिर अगर हम बात करें और कहीं 9 बन रहा है क्या, इसके बाद कहीं 9 नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करना है, हमें सीधा सीधा देखना और प्लस कर दो, बन रहा है, एक 9 और बन रहा है यहां पर, 6 और 3 कितना हो गया, 9, काट दो। अब यहां पर 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में हम क्या जोड़ दें कि वो 9 से विभक्त हो जाए, तो हम जानते हैं 9 दुनी कितना होता है, 18। तो 11 में हम क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो आप सीधे सीधे 11 में यहां पर क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, 7 4 11, और 11 में आप सीधे सीधे 7 जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, 18, और 18 किससे विभाजित होगा, 9 से। तो x की प्लेस पर क्या आना चाहिए, तो x की प्लेस पर आप सीधे सीधे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चौथे क्वेश्चन की बात करें तो x का न्यूनतम मान, इस पर आप ध्यान देना कि x पर न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान की बात करेंगे तो यहां पर x की प्लेस पर हम क्या रख दें,
छोटी से छोटी संख्या अपन में ध्यान अपन को ध्यान में रखनी है, क्योंकि डिजिट तो अलग दूसरे भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता था, पांच भी हो सकता था, आठ भी हो सकता था, यहां पर वैसे यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर देखना है। और छोटे से छोटा नंबर देखना है तो देखिए यहां पर 12 से विभाज्य लिखा है, किससे विभाज्य लिखा है, 12 से विभाज्य लिखा है, तो सीधे से आप यहां पर देखिए, क्योंकि 12 का विभाज्यता का नियम कोई नहीं होता, तो लेकिन हमें यह तो पता है कि 12 के जो मल्टीपल होते हैं वो 3×4 होते हैं। अरे पता है कि नहीं, 3× क्या होते हैं, 4 होते हैं। और यहां पर 3 का विभाज्यता नियम हमें पता है, 4 का नियम हमें पता है। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम यह कहता है लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से विभाजित है, लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से विभाजित है, मतलब नंबर विभाजित हो जाएगा काय से, 4 से। अब हम बात करते हैं 3 से, तो 3 की बात करें तो 3 में मैंने आपको अभी बताया सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा यहां पर आपको क्या करना है, 9 बनाना है, तो 9 बनाइए, सीधा सीधा 9 बनाएंगे हम, तो 9 बनाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो 5×4 9 हटा दो, 7×2 9 हटा दो, यहां पर क्या बचा, 3×1 4 3×1 4 अब 4 में क्या जोड़ो कि यहां पर 3 से विभाजित हो जाए, तो 4 में क्या जोड़ोगे, अरे प्यारे बच्चों 4 में यहां पर 2 जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या, 2। ठीक है, तो x की प्लेस पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या है यहां पर, 2 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहां पर 11 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या, 11 अंकों की। अरे इतनी बड़ी संख्या अपन को नहीं पढ़नी, इतनी बड़ी संख्या पढ़ने बैठ जाएंगे एग्जाम में तो हालत खराब हो जाएगी, एक ही सवाल होगा एक घंटे में। सीधा अपन को क्या करना है, 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है, तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखो कि 90 से विभाज्य है तो विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता 90 का। अब हम जानते हैं कि 90 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 9×10 और 9×10 मतलब अगर 90 से विभाजित है तो ये जो संख्या लिखी है ये 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होगी तो माय डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, इकाई अंक यहां पर क्या होगा, इकाई अंक यहां पर 0 ही होगा, तभी तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। और तो अगर यहां पर इकाई का अंक 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 0, और यहां पर y की प्लेस पर क्या रखोगे, 0, और y की प्लेस पर आप 0 रखोगे तो y का मान क्या हो गया, 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, क्योंकि पूरा मान हमें जो निकालना था वो था 4x+y। अब x का मान निकालना है, y तो 0 हो गया। अच्छा, इसके साथ एक लॉजिक और यहां पर बनता है कि अगर कोई संख्या, यहां पर 4x का मान निकालना है मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। अब यहां पर आप देखो दो ही ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे 4×6 24 मतलब यहां पर देखो 4 का भाग जा रहा है और इसमें 16 में जा रहा है, तो से भी ये चीज पकड़ में आ रही थी, लेकिन यहां पर दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन है तो अपन को थोड़ा सा एक सेकंड और ज्यादा लगेगा, कर लेते हैं। तो क्या करना है, अब यहां पर y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर क्या बचा, 9 बचा, x का मान और निकालना है। तो यहां पर अगर x का मान निकालना होगा तो सीधा हमें क्या करना है, 9 देखना है और हटाते जाना है, 9 देखना है और हटाते जाना है। यहां पर दिख रहा है 9, हटा दो। अब इसके बाद आगे आ जाए, यहां पर 6 दिख रहा है तो 6 ये 3, ये 6 और 3 कितने हो गए, 9, हटा दो। अब यहां पर 7 दिख रहा है तो 7×2 कितना, 9, हटा दो। यहां पर 5×4 9, हटा दो। अब बचा क्या, यहां पर 4 बचा, यहां पर 8 बचा, 8×4 कितने हो गए, 12। अब 12 में क्या जोड़ो कि वहां पर आपका वो 9 का मल्टीपल हो जाए, तो 12 में क्या जोड़ोगे माय डियर स्टूडेंट, तो 12 में आप जोड़ोगे क्या, 6 जोड़ोगे, तब वो किसका मल्टीपल हो जाएगा, वो वहां पर जब 6 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, मतलब 9 के पहाड़े में 18 आता है, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान से समझो कि यहां पर x की प्लेस पर फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, 6, और जब x की प्लेस पर 6 रखोगे तो 6×24, तो पहले ही ऑप्शन आपका आंसर होगा 6×24। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विदाउट पेन का यूज करें, ये सारी चीजें अपने दिमाग में करिए, विदाउट पेन का यूज करें और बाय ऑप्शन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन पूरी एनर्जी पूरा दिमाग और फोकस करिए। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम और भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आप विद इन अ सेकंड आंसर निकाल पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।